खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, मैं आपके साथ दीपक। देश की राजनीति में युवाओं की राय भी एक अलग महत्व रखती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी परवीन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परवीन इस वक्त कुछ युवाओं के बीच मौजूद हैं। परवीन, आप ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और जो आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे सियासत से जुड़े कुछ सवाल कर ये जानने की कोशिश करिए कि दिल्ली की राजनीति के बारे में वो क्या कुछ सोचते हैं। दीपक, आज हम पहुँचे हैं राजौरी गार्डन विधानसभा में और यहाँ एक विश्वविद्यालय में हम शिवाजी कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी हम राय लेंगे। क्योंकि अभी तक हम जहाँ जहाँ राजधानी दिल्ली की विधानसभाओं में पहुँचे हैं वहाँ हमने बुज़ुर्गों की राय ली, महिलाओं की राय ली और आज हम खासकर युवाओं की राय लेंगे राजनीति को लेकर, दिल्ली की सियासत को लेकर और केजरीवाल का काम को कैसा लगा इसको लेकर। सर, कुछ ही दिनों में चुनावी बिगुल बजने वाला है दिल्ली में, क्या लगता है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? सर, माहौल तो मुझे लगता है जो कि केजरीवाल सरकार ने काम तो किया है लेकिन कुछ पहलुओं में देखा जाए तो बहुत कुछ पीछे भी है। कई चीज़ें हैं जिनमें उनका मतलब, जैसे स्कूली वगैरह है, स्कूली जितनी भी काम हुआ है सब में उन्होंने अच्छा मतलब अपना दिखाया कि उनने काम किया है। बढ़िया बढ़िया मतलब हमारे यहाँ पर एक वो क्या कहते हैं डिस्पेंसरी होती है फ्री की, जो हाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं, जो मुफ्त में दवाइयाँ देती हैं वो भी खुली है। मतलब काफ़ी चीज़ें काम हुए हैं, सड़कें भी बन गई हैं सारी। पर नहीं हुआ, नहीं हुआ मैं आप समझना कि कुछ जो चीज़ें मतलब ऊपर की तरफ से दिखती है ना, जो अंदरूनी काम है वो नहीं हुए हैं, जो ऊपर से जो मतलब शो ऑफ के लिए होते हैं वो काम हुए हैं मेरे हिसाब से। एक स्टूडेंट के तौर पर, युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं, कैसा लगा 5 साल का? जैसा कि क्या नाम है, उन्होंने OD1 चालू किया था ये दिवाली के टाइम पर, ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने क्योंकि जो वातावरण में भी नमी आ गई थी इसके कारण, तो इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था। और क्या नाम है, और भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं, वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं इनके काम। जैसा कि इन्होंने भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इन्होंने भी क्या नाम है जो डिस्पेंसरी वो उन्होंने कुछ दवाइयाँ मुफ्त वगैरह कर दी है, ये बहुत अच्छा। हाँ, आपको लग रहा है वो फिर से वापसी करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, बिल्कुल आना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं और भी लोगों से हम बात करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा अभिषेक, ये बताइए आप स्टूडेंट के तौर पर क्या सोचते हैं केजरीवाल के काम को लेकर, क्या उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाना चाहिए या कोई और पार्टी आनी चाहिए? देखिए, मेरे तरफ से अगर मैं बोलूँ अपना राय तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही कर रहे हो जो भी कर रहे हैं। अभी मेरे मोहल्ले में भी काफ़ी उन्होंने कैमरे वैमरे लगाए सभी जगह में और काफ़ी कुछ किया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये सब मतलब उन्होंने सही काम कर रहे हो। मैं अपना राय दे रहा हूँ कि वो बहुत सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हो। बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में केजरीवाल ने, पसंद आया मुझे, सारे काम पसंद आए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए फ्री किया है बसेस। हाउ कैन आई से एनीथिंग टू देम बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच इंडल्जेंट टू दिस टाइप ऑफ एक्ट्रेस, सो नो कमेंट्स ऑन दिस। बस फ्री हो गए इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा, तो महिलाओं के लिए हुई है, महिला हमारे मतलब हमारे घर के लिए भी होनी चाहिए। नहीं सर, हमारे लिए तो पैसा बहुत है, महिलाओं में पैसे की वो घर की है सर। तुम्हारा क्या नाम है? मिक्की। वोटिंग करते हो? वोट कर रखी है दो बार करी है वोट। केजरीवाल को जानते हो? केजरीवाल को जानते हैं। कैसा लगा 5 साल का? सबसे बेकार काम है उनका, सबसे बेकार। बेकार सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में उनका, जो भी इकोनॉमी है ना वो तो सही करने से रहे, वो जो भी सेविंग मनी है ना वो सब उन्होंने उसमें डाल दी एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं फ्री वगैरह कर रहे हैं तो अच्छा भी है? वो कुछ नहीं, स्कैम है, कुछ फ्री नहीं हुआ, ये राजनीति है। जो ये इन्होंने बस वगैरह फ्री करी है लेडीज़ के लिए, इससे छोटे रोजगार खत्म हो गए हैं, जैसे रिक्शा चालक है जो अपनी प्राइवेट बसेस चलाते हैं उनके काम बहुत खत्म हो गया है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है बसेस में। जो पुरुष जो मतलब जो सिर्फ इलेक्शन की राजनीति है, 15 मार्च से सब कुछ खत्म कर देंगे वो, आपको भी पता है ये जो लास्ट डेट है इसकी 15 मार्च है, तो फिर ये सिर्फ एक आप समझ जाओ शो ऑफ है सिर्फ वोट खींचने का। तारीफ कर रहा नहीं, मैं तारीफ कर रहा था कुछ काम डिस्पेंसरी वगैरह उन्होंने अच्छे किए हैं, स्कूल वगैरह में हमारे वहाँ के स्कूल काफी अच्छे हो गए हैं। कुत्ते लौट रहे जी, उन डेस्क डिस्पेंसरी वगैरह आप देखो ना तो जानवर लेटे थे उसमें, वो बंद पड़े, डॉक्टर वहाँ आते नहीं, दवाई वहाँ होती नहीं। और बात रही थी मेट्रो फ्री की, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो हमने पूछा कि केजरीवाल फ्री कर रहा है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फ्री फ्री नहीं है, और वही है बस वगैरह भी फ्री, कौन बस में सर्वाइव करता है दिल्ली मेट्रो में, जाम इतना होता है तो सब दिल्ली मेट्रो यूज़ करते हैं ना। आपको क्या लग रहा है दिल्ली की जनता अब नहीं लाएगी? नहीं लाएगी, नहीं लाएगी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी स्टूडेंट से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, चल लौटते हैं।
तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता परवीन का और युवाओं से चल रहे संवाद को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में जैसे चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो क्या लगता है आपको? आप बाहर निकलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, कैसा माहौल लग रहा है, कौन जीतने वाला है? आम आदमी पार्टी जीतेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने बहुत काम किए हैं स्कूलों में। कौन कौन से काम? जैसे क्लासेज अच्छी बनाई है, काम बहुत किए हैं। तो आपको लग रहा है कि बार फिर से वापसी होगी केजरीवाल? अब की बार वापसी होगी। कुछ लोग, अच्छा आपको तो इंटरनेट भी मिलने वाला है 16 तारीख से, पता है आपको? हाँ, ये तो सब इलेक्शन ही मुद्दे है, ये तो इलेक्शन में इतने मिलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बस इलेक्शन में मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। स्पीड 100 एमबीपीएस नहीं मिल सकती। अच्छा अच्छा, नहीं मिल सकती। आपको क्या लगता है भैया, आपका क्या नाम है? इसे तो लगता ही नहीं है। दूर से बोल रहे हैं, बस पास आना नहीं चाह रहे हैं। नहीं कुछ काम तो ठीक है, हमारे गांव में भी कैमरे लगे हैं हर चार चौराहे पे, कुछ काम तो केजरीवाल सरकार ने बढ़िया करे। अच्छा ये बताइए, जैसे चुनाव आने वाले हैं तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी आने वाली है? क्योंकि टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। बीजेपी आएगी, हमारे बीजेपी को सपोर्ट है। ऐसे काम कर रही है बीजेपी अच्छे, बस पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ और काम कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इतना ही। मैम आपका क्या विचार है? हाँ ठीक है कि केजरीवाल आए, बट वही है सेंटर और स्टेट में अलग अलग होनी चाहिए, ताकि ना थोड़ी कॉन्फ्लिक्शंस ना हो इन लोगों में। बाकी ये जो लड़कियों के लिए फ्री की है ना, ये सही नहीं है, ऐसे फ्री नहीं करना चाहिए। सही नहीं लगा आपको? नहीं, इसमें पता है क्या, जो लड़कियाँ मतलब जो अफोर्ड कर सकती हैं वो तो पैसे दे नहीं रहे, और लेकिन जो गरीब है, जो आदमी गरीब है, उनको देना पड़ रहा है। बाकी उसको रेप के लिए थोड़ा और कुछ करना चाहिए, आई गेस रेप के लिए अभी कुछ हुआ नहीं है, बाकी कंट्रीज में ज्यादा है, उनको तो डायरेक्ट डेथ की पेनल्टी है। ये भी कह रहे हैं कि वो सिक्योर जो सीसीटीवी कैमरा फ्री में लगा रहे हैं हर मोहल्ले में, उससे सिक्योरिटी बढ़ रही है व्यूमेन की। आई डोंट नो, मींस लगा तो रहे, मैंने सुना है वाईफाई वगैरह भी मिलेंगे, बट उनसे फायदा क्या? बिकॉज ये लगते हैं तो इतने चलते भी नहीं है ये लोग, इनकी स्पीड कम आती है, तो मेरे हिसाब से ये सब ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली में वहाँ पे जो आपके विधायक हैं वो आते हैं आपके पास, जायजा लेते हैं काम? आते हैं, मतलब वो डायरेक्ट नहीं आते, उनके लाइक थोड़े जो छोटे होते हैं ना सबॉर्डिनेट्स, वो लोग आते हैं, डायरेक्ट वो लोग नहीं आते। उन्हें आना चाहिए सो दैट उन्हें पता चले डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या क्या है, लाइक हर गली में अगर वो गेट वगैरह लगाना शुरू कर दे, सो दैट वुड बी वेरी गुड। अभी तो फिलहाल पसंद कर रहे हैं उनको। अच्छा हाँ, क्या कुछ बातें होती हैं? लेकिन बोलते हैं अच्छा काम कर रहे थे, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो वैसे अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यूपी का, और रघुवीर नगर में रहता हूँ। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? करीब करीब एक साल हो गए। हाँ जी। एक साल में कौन कौन से काम आपको पसंद आए केजरीवाल? बहुत बहुत काम किया उन्होंने, बहुत भी अच्छे काम किए उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तमाम लोग, कुछ स्टूडेंट्स थे, ज़्यादातर हमने स्टूडेंट से पूछा कि उनको केजरीवाल का काम कैसा लगा, और वो साफ तौर बता रहे हैं, बता कह रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं वो। किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लिखता है, अलग अलग विचारधारा है सबकी। और दीपक इसी तरह से हम आपको और भी विधानसभाओं में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे सबसे सटीक सर्वे। परवीन ये तमाम जानकारियां देने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली सरकार और केजरीवाल के कामों को लेकर आजकल का युवा क्या कुछ सोचता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई विधानसभा में कुछ नए लोगों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।